इंदौर जिले के महू वन विभाग में दबंग जब्त किए जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली लेकर हो गए फरार, जिससे वन अमले में हड़कंप मच गया। एसडीओ रेंजर सहित वन अमला मौके पर पहुंचा। मामला महू रेंज के बड़गोंडा वन परिक्षेत्र का है, जहां पर वन अधिकारियों द्वारा अवैध उत्खनन कर वन विभाग के जंगल से रास्ता बनाते हुए ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी मशीन की जब्ती की गई थी, जिसे दबंग बड़गोंडा वन विभाग कार्यालय पर धावा बोलकर जब्त जेसीबी मशीन ट्रैक्टर ट्राली को लेकर फरार हो गए। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। देखिए, कल हमारे रेंजर साहब हैं मिस्टर मौर्य, उनको सूचना मिली थी कि इनके जंगल में जेसीबी से कोई अवैध उत्खनन कर रहा है और बिना स्वीकृति के रास्ता जंगल में से बना रहा है। रेंजर साहब ने स्वयं मौके पर जाकर के देखा, कार्रवाई करी, तो वहाँ एक जेसीबी ने, जेसीबी का नंबर है MP41H07574, ये वहाँ पर उत्खनन करती पाई और साथ ही न्यू हॉलैंड का एक ट्रैक्टर है उसमें मुरम भरी हुई थी उसकी ट्रॉली में, और वो ट्रॉली में भर करके और वन क्षेत्र में जो रास्ता निकल रहा है उस पर डाल रहा था। जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यदि कोई इस तरह के रोड उन्नयन कार्य करना होते हैं तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उद्योगों को अधिकार है, वो उसमें स्वीकृति जारी करते हैं, परंतु इस प्रकार के किस कार्य में किसी प्रकार की कोई स्वीकृति रंजन साहब के पास भी प्राप्त होना नहीं पाएगी और मेरे भी संज्ञान में कोई स्वीकृति है नहीं। इस प्रकार बिना स्वीकृति के वन क्षेत्र में कार्य करने पर कंपार्टमेंट नंबर 66 है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, अवैध कार्य करने पर आरक्षित वन है तो आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम की 1927 की धारा 26 और 41 के तहत रंजन साहब ने प्रकरण पंजीबद्ध कराया एवं जो जेसीबी और ट्रैक्टर और ट्रॉली है उनको जब्त करके सब रेंज बड़गोंडा है उसके प्रांगण में खड़ा करवाया था। कल की घटना है ये, और आज शाम को ये पता लगा कि वहाँ पर जिन व्यक्तियों के द्वारा कार्य कराया जा रहा था उन व्यक्तियों के द्वारा वहाँ से उस परिसर से जब्त सुधा शासकीय सामान जो संपत्ति है ये जिस वन अपराध प्रकरण में जब्त की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसको कुछ लोग जो है शाम के टाइम वहाँ से परिसर से उठा करके ले गए हैं दादागिरी के साथ में, जोर जबरदस्ती के साथ में, और चूँकि 6-7 लोग थे वहाँ स्टाफ था तो उनका विरोध भी नहीं कर पाया। और इस प्रकार अधिक लोग होकर के ऐसा कार्य करते हैं तो जनरली डकैती की घटना बोली जाती है इसको। और हमारे प्रक्षेत्र सहायक जो है यहाँ के बड़गोंडा के मिस्टर राम सुरेश दुबे, उनके द्वारा उन लोगों के नाम भी पता किए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि मनोज पाटीदार है और सुनील पाटीदार हैं, उसके बाद मिस्टर अंजना जी हैं भगोरा के, और भी 2-3 लोग हैं, तो उनके द्वारा नामजद FIR इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एवं जब तो सुधा जो मटेरियल लेकर के गए हैं डकैती करके उसके बरामदगी के लिए पुलिस थाना बड़गोंडा क्षेत्र का जो भी है डोगर गांव बताते हैं वहाँ पर है, तो वहाँ उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।